कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम को सन्निहित सरोवर पर दीपदान के बाद ब्रह्म सरोवर की होने वाली संध्याकालीन आरती में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ 18 नए तीर्थों को जोड़ा गया है। अब तीर्थों की संख्या 164 हो गई है और 164 से बढ़कर जो 182 हो गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि ब्रह्म सरोवर पर अगले गीता महोत्सव से पहले लाइट एंड साउंड भी स्थापित किया जाएगा और जी रोड पर 3 एकड़ भूमि पर सिख संग्रहालय बनेगा। चूंकि ये कुल मिलाकर ऐसा जानकारी मिली है कि साहित्य के अंदर 367 ऐसे गांव हैं, यानी स्थान है, ना गांव नहीं बल्कि स्थान है जो महाभारत से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका एक प्रकार का उसका जो रिसर्च है या उसका जो खोज है वो जो किया गया है उसमें अभी तक पहले हमारे पास 162 स्थान मिले थे और अब जो है 18 स्थान उसमें 164 और 18 स्थान आज और घोषित किए गए हैं, तो कुल मिलाकर के 182 स्थान ऐसे हो गए हैं कि जहां KDB के अंतर्गत उन स्थानों को विकास किया जाएगा और भी स्थानों की खोज चल रही है जो मिलेंगे उस पर भी हम काम करेंगे। आपको बड़ी सौगात दी, आज आपने बकायदा अनाउंसमेंट किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जो म्यूजियम के लिए जगह देनी थी वो जेपी रोड पर दी जाएगी। 2 स्थानों की मैंने घोषणा की है, उसके अंदर एक श्री गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की बात हमने पहले उनकी घोषणा की थी, तो 5 एकड़ लैंड पिपली के पास और GT रोड के ऊपर हमने चिन्हित की है उनको, कोई भी व्यवस्था जो बनेगी वहाँ श्री गुरु रविदास जी का स्मारक ये बनाया जाएगा। ऐसे ही सिख म्यूजियम के नाते जो कभी पहले अंबाला की बात हुई थी लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उसको कुरुक्षेत्र में शिफ्ट करने की बात आई थी, तो कुरुक्षेत्र में एक विवाद बना था कि जो थीम पार्क की जगह उनको दी जा रही है, ऐसा कोई विषय नहीं था लेकिन प्रपोजल एक आया था, उस प्रपोजल को यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, तो हमने उनको भी 3 एकड़ लैंड पिपली के यानी GT रोड के ऊपर ही 3 एकड़ लैंड सिख म्यूजियम के लिए दी।